खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अब सीधे लिए चलते दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स को इस घटनाक्रम में चोटें आई है उनका पूरा इल्मी जाएगा। जिन पुलिसकर्मियों को इस घटनाक्रम में चोटें आई है उनका पूरा इलाज की व्यवस्था जो है वो दिल्ली पुलिस अच्छे तरीके से करेगी। घायल पुलिसकर्मी जो भी इस घटनाक्रम में इस इंसिडेंट में घायल हुए हैं उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट के तौर पर कम से कम 25,000 की न्यूनतम राशि दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाएगी। कल दिन का जो साकेत कोर्ट का जो इंसिडेंट था आपको पता होगा कि उसमें FIR दर्ज की जा चुकी है और उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज ही काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने आप सबकी जो बातें हैं वो सुनी हैं, आगे निरंतर इस पर काम चलता रहेगा। आप एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह अपनी वर्दी का, अपनी फोर्स का मान रखें और शांतिपूर्वक यहां से एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए वापस अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे जाएं। मैं आपको फिर से कमिश्नर साहब की तरफ से विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी जो ज्यादातर बातें थी उन पे कार्रवाई की जा चुकी है और आगे निरंतर इस पे कार्य चलता रहेगा। अब फिर से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब जो लोग यहां से शांतिपूर्वक डिस्पर्स होकर अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे जाएं, अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करें। जय हिंद।